मौलापियो, मैं डॉक्टर विजय प्रधान, समाज कार्य विभाग, विभागाध्यक्ष। आज हम लोग सामाजिक नीति के अर्थ, विचार, उद्देश्य, फंक्शन, उनके प्रयोग पर चर्चा करेंगे। सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है तथा असंतुलन को रोकती है। गोखले की मत के अनुसार सामाजिक नीति एक प्रयास, एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं तथा साधनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण की भी वृद्धि हो सके। सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है, जिससे पूर्ण सेवा नियोजन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्धनता दूर होती है। नीति कथन करने के अनुसार नीति कथन उस ओढ़ने के वस्त्र के ताने बाने के समान है जिनको पिरो कर तैयार किया जाता है। यह सूक्ष्म ढांचा होता है जिसमें सूक्ष्म क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समाहित किया जाता है। लिडम के अनुसार सामाजिक नीति सामाजिक जीवन के उन पहलुओं के रूप में मानी जाती है जिसकी इतनी अधिक विशेषता एवं ऐसा विनिमय नहीं होता जिसमें एक पांव की प्राप्ति उसके बदले में किसी चीज को देते हुए जारी की जाती है, जितना कि एक बच्ची वातावरण इन्हें प्रकृति वैधता, अस्थिरता तथा समुदाय के नाम पर उचित ठहराया जाता है। अब हम सामाजिक नीति के आवश्यकताओं पर फोकस करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक व्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजन विकास का सहारा लिया गया, आवश्यक समझा गया, और क्योंकि अनुभव किया गया कि गरीबी, बेकारी जैसे अनेक गंभीर सामाजिक समस्याएं उचित विकास न होने के कारण ही हमारे समाज में व्यापक रूप से विद्यमान है। सामाजिक विकास और अधिक तेज करना तथा इससे होने वाले लाभों को आम जनता तक न्यायपूर्ण ढंग से बांटना या पहुंचाना या उनको समझाना जरूरी था। इसलिए सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपनी सामाजिक नीति उचित रूप से निर्धारित कर लागू करे। सामाजिक नीति के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ कार्य हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान कानून अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निर्भरताओं को दूर करना। दूसरा हमारा है लक्ष्य जन सहयोग और संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक निर्भरताओं को कम करना। तीसरा हमारा है लक्ष्य शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट है बाधितों को पुनर्स्थापित करना, और उसके बाद है स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को ऊंचा उठाना ताकि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को सुखमय बनाया जा सके। नेक्स्ट है पीड़ित मानवता के दुखों एवं कष्टों को कम करना, यानी जो भी हमारे पीड़ित मानव हैं उनके दुख को, उनके कष्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर फोकस करना था। नेक्स्ट है सुधारात्मक तथा सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना। बहुत से ऐसे समस्याएं होती हैं जिनमें सुधार की जरूरत होती है, बहुत लोगों की सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत होती है, ऐसे प्रयासों में हमें वृद्धि करना है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में असमानता को कम करना। जीवन में हमारी जो असमानता है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, उस असमानता को दूर किया जा सके ताकि सभी का विकास हो सके और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना, यानी हर क्षेत्र में संगठित रोजगार का विस्तार किया जाए जिससे मानव का विकास हो सके और ऊंचा उठाने का अवसर उन्हें प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि, यानी हमारी जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर की हुई परिवार कल्याण की जो सेवाएं हैं उसमें वृद्धि किया जाए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के विशेष संरक्षण प्रदान करना, यानी जो कमजोर तबके के वर्ग हैं हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि उनका भी विकास हो और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। नेक्स्ट है ग्रामीण तथा नगरी धनी तथा निर्धन समाज के सभी वर्गों को ऊंचा उठाने का अवसर प्रदान करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य की नीति में हम उपयोग करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी हमें सफलता हासिल होगी। नेक्स्ट है
उन दशाओं के निर्माण करना जिनसे सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसी के साथ ही हम कुछ मुख्य उद्देश्यों पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को समान रूप से विकास और सेवा की पूर्ण समान अवसर उपलब्ध किया जाए, यानी किसी भी तरह की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान रूप से विकास किया जाए और सेवा की जो भी सुविधाएं हैं दोनों को समान रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि दोनों में समानता बनी रहे, दोनों का एकरूपता बनी रहे और दोनों एक समान से विकास कर सके। आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार करना, जो भी हमारे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है उसमें विस्तार किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, साथ साथ स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा सामाजिक दशाओं में भी सुधार लाया जाए। नेक्स्ट है, उन दशाओं के निर्माण करना जिनसे सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके और समाज के सभी गरीब अमीर तबकों को एक समान अवसर प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे नगर का हो, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य है, आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार करते हुए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस करना चाहिए। इसके नीति के क्षेत्र हैं समाज सेवाओं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, पोषण है, आवास है इत्यादि की लगातार वृद्धि एवं सुधार करना। इसमें अगर हम वृद्धि करते हैं, सुधार करते हैं, तो हमारे जो भी मानव हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनमें गुणवत्ता आएगी और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। समाज सुधार के लिए नीति प्रतिपादित करना, यानी जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जो भी हमारे समाज में बुराइयाँ हैं, उन्हें सुधारने के लिए भी नीति का आयोजन होना चाहिए। जैसे अभी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक हमारी कुरीतियाँ थी समाज की, जिसे सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रोग्राम सरकार आयोजित कर रही है। निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र, स्थानीय स्तर पर पूरक कल्याण सेवाओं के विकास के लिए नीति निर्धारण करना जरूरी होता है, ताकि जो भी हमारी पूरक सेवाएं हैं उनमें सुधार किया जा सके, उनमें गुणवत्ता हो और उनको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में लोगों का विकास उचित ढंग से हो सके। सामाजिक नीति के कुछ अप्रोच हैं, जिन अप्रोचों को हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि सामाजिक नीति के जो अधिगम हैं वो तीन प्रकार के हैं मुख्य रूप से, या न्यू राइट अप्रोच, नवा अधिकार अधिगम, आर्थिक उदारवाद, एक नव संरक्षणवादी तथा असामूहिक अधिगम की ओर संदर्भित करता है, या अधिक विश्वास करता है कि सरकार व्यक्ति के जीवन को नियमित करने में आने वाली आवश्यकताओं को अधिकारवादी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। सामाजिक प्रजातांत्रिक अधिगम यानी सोशल डेमोक्रेटिक अप्रोच, यह सामाजिक उदारवाद और सामाजिक अधिगम की अवधारणा पर आधारित है, यह निर्धनता से नागरिकों को रक्षा करती है। थर्ड हैड है रेडिकल सोशलिस्ट अप्रोच, आमूल परिवर्तनकारी समाजवादी अधिगम, मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी को हस्तांतरण करना है, संपन्नता और संसाधनों को पुनर्वितरण करना है, ताकि एक समान एक तरह से सभी का विकास हो सके। कुछ और हमारे मुख्य जो अप्रोचेज हैं जिसको हम नीति बनाते समय उपयोग कर सकते हैं, उसमें है फेमिनिस्ट अप्रोच, नारीवादी अधिगम, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेविस ने 1998 में स्पष्ट किया कि सामाजिक नीतियों में नारीवाद का विश्लेषण कर आरंभ 1970 के दशक में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है उसका अन्य अप्रजाति अधिगम यानी एंटी रेसिस्ट अप्रोच, वह इस पर बल देता है कि काले लोगों या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में सुधार हो, कल्याणकारी उपायों पर बल दिया जाता है। मेन उद्देश्य है कि महिला असमानता को दूर करना, महिलाओं संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनका विकास करना। कुछ हमारे डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच सोसाइटी पॉलिसी के हैं, यानी सामाजिक नीति के निर्धारण तत्व हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और उसी को लेकर के हमारी नीतियाँ बनती हैं। वो आर्थिक है, आर्थिक तत्व भी है यानी इकोनॉमिक
स्टेटस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के बनाई जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर हैं, तत्व हैं, जिसको भी ध्यान में रख करके पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद होता है परिवार, यानी परिवार भी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा डिटरमिनेंट है, जिसके लेकर के हमें चिंतन करना चाहिए और उसकी स्थिति पर भी निर्धारण के समय उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिवार का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा, और व्यक्ति का विकास होगा तो परिवार का होगा, परिवार का होगा तो समाज का और राष्ट्र का भी विकास संभव हो सकता है। कुछ उत्सव भी हैं, कुछ फेस्टिवल हैं, कुछ ऐसे हमारे कल्चर नेशनल डे हैं जिन्हें पर भी हमें फोकस करना चाहिए, और वो तत्व भी हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विकास में सहयोग करते हैं, तो पॉलिसी बनाते समय इस तत्व का भी निर्धारण करना चाहिए। परंपरा एवं परिवर्तन, यानी जो परंपरा है, जो सिस्टम है, जो कल्चर है, उसमें चेंज होना चाहिए। ये हमारी शाश्वत नीति होती है, शाश्वत कल्चर है, और हमारी प्रकृति का भी है कि हमारा समाज परिवर्तनशील है, और परंपरा जो है उसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे वो पुरानी रूढ़िवादिता हो या जो भी हमारी समस्याएं हैं उन पर विचार किया जा सकता है और उनको भी पॉलिसी के समय निर्धारण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुदान, यानी इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, यानी हमारे देश के, हमारे राज्य के विकास के लिए बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हेल्थ के सेक्टर में काम करती हैं, एजुकेशन के सेक्टर में काम करती हैं, लाइवलीहुड के सेक्टर में काम करती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश के लोगों के विकास में के लिए अनुदान प्रदान करती रहती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनए है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं वो संस्थाएँ किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के विकास में, लोगों के विकास में, समाज के विकास में अनुदान कंट्रीब्यूशन प्रदान करती हैं। वो काइंड में भी होता है, कैश में भी हो सकता है, यानी मनी से भी कंट्रीब्यूशन करते हैं और आप जो है काइंड से भी करते हैं। अभाव, कभी भी ईगो का भाव नहीं होना चाहिए, यानी ये तत्व भी किसी न किसी रूप में हमारे पॉलिसी के फैक्टर को प्रभावित करता है। अगर ये अहम की भाव होगी, हम की भाव होगी, तो हमारा देश का विकास सकारात्मक होगा, और अगर हम की भाव नहीं होगी तो देश का विकास सकारात्मक न होकर के हम की भाव हो सकती है। लाल फीता शाही, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है। कभी भी नीति बनाते हैं, कभी भी पॉलिसी बनाते हैं, किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए बनाते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चों के लिए हो, या SC ST के लिए हो, OBC के लिए हो, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाल फीताशाही जो तत्व है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी पर, उनके डेवलपमेंट पर, उनके ऑर्गेनाइजेशन पर, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर प्रभाव डालती हैं, तो वो सकारात्मक सुर होनी चाहिए। नेट है कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन तथा नियंत्रण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी ये तत्व जो हमारे हैं, जो पॉलिसी के नीति के निर्धारक तत्व हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन तथा नियंत्रण, यानी हमारे देश को विकास करने की दिशा में कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन भी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्राइम अपराध का बढ़ाव होगा, और अपराध इस लेवल पर होगा कि वो चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे देश के विकास में बाधा करता है, और उस अपराध को रोकने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, सोशलाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ये तत्व किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करता है। वेतन एवं पेंशन का अधिकार, ये राइट्स है, जब भी पॉलिसी बनाते थे ये राइट्स है कि हर व्यक्ति के वेतन एवं पेंशन सही समय पर सही दिशा में मिलने चाहिए। अवैतनिक संबंध, यानी इस प्रकार के भी हैं जो अवैयक्तिक संबंध हैं, वो तत्व भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे पॉलिसी के निर्धारित तत्व में माने जाते हैं, और वो भी प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक डालते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड, यानी जो भी रिकॉर्ड है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, वो रिकॉर्ड का भी हमारे पॉलिसी नीति निर्धारक तत्व के रूप में माना जाता है। कहीं ना कहीं वो हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में वो अपना अहम भूमिका अदा करता है। और विशेषज्ञता, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉलिसी, सोशल पॉलिसी निर्धारित तत्व है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड व्यक्ति ही हमारे
नीति के निर्धारण में, नीति के इम्प्लीमेंटेशन में, नीति के ऑर्गेनाइजेशन में और नीति को इम्प्लीमेंट करके लोगों के विकास में मदद कर सकता है। यानी जो हेल्थ का अगर स्पेशलिस्ट है, जब भी पॉलिसी के देखेंगे, जो हमारे ग्रुप बने हैं, जो कमेटियां बनी हैं, उसमें हर क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं और विशेषज्ञता के आधार पर पॉलिसी के जो भी नीति होती है उसका अवलोकन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और अपना अहम कंट्रीब्यूशन दे करके उस पॉलिसी को सक्सेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और वो पॉलिसी जो है हमारे देश के लोगों के विकास में, लोगों के डेवलपमेंट में वो सहायक होता है और करता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे सोशल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट क्या हैं, सोशल पॉलिसी का आवश्यकता क्यों पड़ी, सोशल पॉलिसी के वो क्षेत्र क्या हैं, सोशल पॉलिसी के उद्देश्य क्या हैं, वो सोशल पॉलिसी के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो किसी न किसी भी प्रकार से हमारे लोगों को, हमारे जनता को, हमारे समाज को, हमारे समूह को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। उन सबों को ध्यान में रख करके हम इस पर चर्चा किए हैं और इसका डिटेल विस्तृत बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत से एनुअल रिपोर्ट हैं जिसके माध्यम से हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।